Assalamualaikum friends, welcome back to my brand new vlog. Friends, जैसा कि आपको पता है, कल मेरे डैडी की बर्थडे, मतलब कि कल है, कल हम विश नहीं कर सकते, 12 बजे शुरू हो जाएगी, 12 बजे तो हम सो जाते हैं, तो हमने सोचा है हम डैडी को कल गिफ्ट देंगे. आज उसकी चीज़ें लानी है, बहुत काम है आज, तो देखते जाएं आगे क्या क्या होता है. जो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो पुराने भी हैं जिन्होंने नहीं भी किया वो भी करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट. और अगर कमेंट आने चाहिए तो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने पंजाब से सुनकर गिफ्ट लेने जाना है, तो हम पंजाब से सुनकर आ गए. अब गिफ्ट करने की चीज़ है, यहाँ से अच्छे रैपिंग करके मिले. फिलहाल अभी हम यहाँ से और रैपिंग करने की चीज़ें ले लेते हैं, कई कई चीज़ें ऐसी तो आएंगे जो रैपिंग के लिए टेप भी है नीचे से, और ये ग्लू भी है, और ये खतर दिया है, बर्थडे पे कहीं पे भी लगा देंगे. इसका मुझे खुद को नहीं पता क्या करता, मैं तो बस ऐसे ही स्नैक्स डैडी के लिए परचेज करती हूँ. डैडी को रात को क्रेविंग होती है, तो इसलिए मुझे स्नैक्स परचेज करेंगे. वो रात को खा ली थोड़ी थोड़ी, ये तो नहीं लगता थोड़ा खाएंगे पूरा ही खा हो जाएगा वो तो. पहले डैडी के लिए हमने नेम को, और ये नाम याद था ना भूल. फ्रेंड्स, अब मैं डैडी के लिए चने परचेज करूँगी, ये बादाम, और उसके लिए केक्स लेती हूँ. ऐसा करती हूँ क्रैकर्स भी ले लेती हूँ डैडी के लिए. अब मैं ये कुरकुरे ये वाले तुम ले डैडी के लिए, ये पॉपकॉर्न्स हम ले लेते हैं, और ये अब मैं ये पोटैटो स्टिक्स ले लेती हूँ. ठीक है, तो हम ये लेंगे, और फिर हमने फिर करवा लिया अपने. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता था डैडी की बर्थडे है, हम चीज़ें ले आए थे, और अभी हमने बनाना है डैडी की एक बास्केट जिसके अंदर उनका गिफ्ट पैक करना है, वो भी कार्टन से. हम कार्टन से करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कोई क्रिएटिव दिखाऊँ मैं, कि बास्केट हमने शॉप से भी हम ले सकते थे, बट मैंने कहा कुछ क्रिएटिव मैं करती हूँ, इसलिए मैं बास्केट के साथ बास्केट कार्टन के साथ बनाते हैं. चले आ जाए, देखते हैं आगे क्या होता है. फ्रेंड्स, अब मैंने मार्किंग कर ली है, और ब्लैक कटिंग करती हूँ. कटिंग करना एक बहुत मुश्किल काम है. फ्रेंड्स, अब हमने ये बास्केट की कटिंग करी है, देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. अब इसकी हम लैमिनेशन करेंगे एक प्यार से रैपिंग पेपर से, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये रैपिंग पेपर ये वाला, ये वाला. फ्रेंड्स, ये हमारी बास्केट तैयार हो चुकी है, बहुत मेहनत इसके ऊपर हमने की है. ये देखें, ये बहुत प्रीटी मुझे लग रही है. अब इसके अंदर चीज़ें डालते हैं जो हम लेके आए थे. फ्रेंड्स, ये चीजें सारी आ चुकी हैं, और इसको फिर से रैप करने की बारी है, वो इस पेज से नहीं आ
इससे हम रैप करेंगे ऊपर ऊपर से। फ्रेंड्स, अब हमारी गिफ्ट बास्केट तैयार हो चुकी है और इसको देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। घंटों की मेहनत पे ये फुल बनी है बास्केट, और ये देखें इसके अंदर हमने कितनी ही चीज़ें भरी हैं, फुल ऑलमोस्ट गले तक तो भर गई है। अब इसको बस डैडी को देने का इंतज़ार है और खुद खाने का। फ्रेंड्स, अब गिफ्ट तो रेडी हो चुका है, अब हम भी रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आप कहेंगे हम क्यों रेडी हो रहे हैं, बस गिफ्ट दो और बस छोड़ो। नहीं, हमने डैडी को डिनर देने का प्लान किया है, इसलिए हमें मैं बहुत प्यारी तैयार होंगी, और मुझे बस बर्थडे पे मैं इतनी प्यारी लगती हूँ कि बस आप देखते हैं। चार और चार से मिलते हैं, बाय बाय। फ्रेंड्स, तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, डैडी भी आ चुके हैं, अब हम डैडी को अपना सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। वैसे एक बात बताओ दोस्तों, ये इतनी चलाक है, इसने पता क्या किया है, इतने सारी चीजें जो है ना, इन दोनों ने अपनी अपनी पसंद की ले करना खुद से ऐसे जानबूझ के, ये कहाँ से शॉपर उठा, नहीं शॉपर नहीं है वैसे, ये इन्होंने बहुत अच्छा पैक किया है, बहुत अच्छा, बहुत आला प्रेजेंटेशन। ये सब मेरी चीज है, अब मैं आपको इनमें से कोई चीज भी ना दूं। हसन, आपको कौन सी चीज पसंद है? इधर आओ हसन, इधर आओ। वाओ, थैंक यू मीरू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू आदम। प्रेजेंटेशन बहुत आला है, बहुत आला ये मुझे लगा है, थैंक यू वेरी मच। और ये आप देखिए, यू ये दिखाता हूँ, ये चीज है। डैडी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये आपका पेट जितना है, आपका पेट के अंदर आ सकता है। ये देखिए, कह रहा है कि मेरे पेट के अंदर सारी चीजें आ सकती हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम ह्यूमंस, दिस इज मी वन एंड ओनली मिलियन मोहसिन। मेरा पैगाम एक ही है और वो है मोहब्बत, जहां तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच मीरू, आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, और आज आपको इस पे दिखा दी, तो एक दफा फिर से। हां दिखा दो, बहुत भारी है। क्या बहुत भारी, ये देखो। अब आदम का दिल बहुत चाह रहा है कि ना ये सारी चीजें ना ये ले ले, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा मेरू, ऐसा नहीं होने देना हम लोगों ने, ठीक है ना। फ्रेंड्स, आपको पता है मैं डैडी के लिए वो वाले पॉपकॉर्न जिसमें बहुत मिर्ची भी होती है, रेड कलर के होते हैं वो पूरे, बस वो खाऊंगा ना फिर मैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज एहसन और उमर मेरे भाई दोनों, वो भी आए हुए हैं बाय चांस, और साथ ही हम लोगों ने सोचा, इन लोगों ने शोर मचा दिया कि हमें कोई ट्रीट दो। मैंने कहा कि ट्रीट दो, मैंने कहा मैं क्यों दूं, मैंने कोई ट्रीट व्रीट का कोई प्रॉमिस नहीं किया इनके साथ। तो उस पर मेरी बेटी ने मुझे हैरान कर दिया और एक बात कही। क्या कही आपने? मैंने कहा उमर चाचा कोई बात नहीं, डैडी ट्रीट नहीं देते तो मैं दे देती हूँ ट्रीट। एन जी, ये मीरू ने कहा। चलो, और हमने खाना है, क्या खाना है, उसने क्या खाना है, क्या कह रहा था, चाइनीज का? चलो जी, चाइनीज खाना चाह रहा है वो। चलो ठीक है, हम चलते हैं, आपको मिलते हैं चाइनीज पे। फ्रेंड्स, ये तो आपको एक अहम बात तो मैं बताना भूल गया कि आज ना सिर्फ मेरी बर्थडे है एज वेल एज वेडिंग एनिवर्सरी भी है, और वो मीरू ने डैडी की एनिवर्सरी भी है, और वो मैं बताना आपको भूल गई थी। और अब इसने मुझे याद कराया, और इसने कहा कि डैडी की जो है ना केक कट जो करना है उसके ऊपर एनिवर्सरी भी लाजमी लिखवाना है, ऐसा ही है। चलो जी, हम पहुंच गए हैं केक शेक लेने के लिए, आ जाओ। कौन सा मीरू? हैप्पी बर्थडे एंड एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे डैडी एंड एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू, लिख दो आप। थैंक यू मीरू, हैप्पी बर्थडे डैडी एंड
एनिवर्सरी फॉर द व्यू. थैंक यू. ठीक करने लगे मैं ठीक करो रेड वेलवेट. चले वो केक तो ले लो, केक तो लो. चलो चलो फ्रेंड्स, हमने डैडी के, मैंने डैडी के लिए केक कट करने के लिए पूरा डिकोर करवाया है इस होटल में. ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है. हैप्पी बर्थडे. और ये डैडी का केक, आप इसको कट करते हैं. ये किस लिए, क्या क्यों कर रहे हो ये आप ऐसे डांस? दीदी का खुशी दिलाज. खुशी क्यों दे रहे हो? Happy wedding anniversary. और ये अपने आप को भी ले लो. Happy birthday. Happy birthday daddy. ओह आ गया नाम पता बड़ा. ये बदल गया. चलो जी केक खाएं. बड़ा मज़ा. मुझे आदम ने नहीं खिलाया, आपने मुझे खिलाया. ओ सॉरी. खिलाओ फिर, खिलाओ. तो दोस्तों हमने केक वेक काट लिया. बहुत अच्छा मीरू ने सेटअप किया था, बहुत सरप्राइज सेटअप दिया था. बड़े बैलून्स लगाए थे, फ्लावर्स लगाए थे, लाइटिंग लगाई थी. केक काटने का तो मज़ा आ गया. मैं हैरान हूँ कि ये मीरू ने कर कैसे लिया, ऐसे कैसे किया आपने ये सब कुछ. यार थैंक यू यार. देखा है दोस्तों मेरी बेटी कितनी अच्छी है, अपने डैडी से कितना लव करती है. आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी बेटी ने मेरे लिए बर्थडे अरेंज किया. थैंक यू मीरू. एक केस दे दो मीरू. थैंक यू. चाइनीज राइस. वाह क्या बात है, आला. दोस्तों आज का दिन मेरा माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन गुजर गया. और ये दिन जो है मेरे बेटे और मेरी बेटी ने मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया. थैंक्स दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया. इन्होंने मेरा बहुत अच्छा दिन गुजारा और मेरे लिए बहुत अच्छा किया. बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छी की. आदम क्या किया आपने? बहुत अच्छी सेलिब्रेशन की. क्या? बहुत अच्छी सेलिब्रेशन की. हाँ जी. तो और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है ना वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.